बृहत्तर भारतीय अध्ययन परिषद एवं भारत विद्या प्रयोजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय कलाओं का वैदिक परिप्रेक्ष्य विषय पर समायोजित UEFS के 22वें भारत सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस उद्घाटन समारोह के जो हमारे अध्यक्ष एवं गणमान्य अतिथियों से निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलन पूर्वक हमारे ये कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रोफेसर शशि तिवारी मैडम से, अतिथिगणों से निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलन पूर्वक इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी। सर कृपया आए। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी जो हमारे उद्घाटनकर्ता हैं, चीफ गेस्ट श्री अशोक प्रधान जी, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर संगीता शास्त्री अर्जुन प्रसाद वत्सला जी, हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर एस आर भट्ट जी, सभी से निवेदन है कृपया दीप प्रज्वलन पूर्वक इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और मंगलाचरण के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ SPM कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर ऋषि राज पाठक एवं मुनिराज पाठक, कृपया मंगलाचरण प्रस्तुत करें। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरेन् नित्यम् वेदवाणीं प्रवर्तये। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देववृत्विजं होतारं रत्नधातवम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिर्जो नूतनैरुत स देवां एह वक्षति अग्निना रैमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिहोरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तव देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिर उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन् तमद्वराणां गोपामृगस्य दिदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव स च स्वानस्वस्थये। ॐ हरेः ॐ समिधाग्निं धूवस्य दघृतैर्भो दयातातिथिम् आस्मिन् हव्याजूतन सुसमिद्धाय शोचिके घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे तन्वा समिद्धिरङ्गिरो ते न वर्धयामासि बृहच्छोचा जाविष्ठ्य उपत्वाग्ने
है बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋषिराज जी. जैसे हम लोग जानते हैं ये वेब्स एवं भारत विद्या परियोजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में वेब्स भारत के 2018 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. और इस सम्मेलन का जो शीर्षक है भारतीय कलाओं का वैदिक परिप्रेक्ष्य. हम सभी जानते हैं इस वेब्स इंडिया की स्थापना 27 दिसंबर 1997 में हुई थी और दिल्ली में हुई थी. इसका पहला कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ था और जिसका उद्घाटन स्वर्गीय श्रद्धेय भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने किया था. और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी 21 सम्मेलन का आयोजन पूरे के पूरे भारतवर्ष में किया जा चुका है. और केवल भारत में नहीं नेपाल में भी एक कार्यक्रम का उसमें आयोजन किया गया था. और ये 22वां सम्मेलन आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में आप सभी विद्वजनों का वैदिक विद्वानों का सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं. मैं इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय कराना चाहूंगा. जो आज का ये जो त्रिदिवसीय सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है इसमें टोटल अगर रिसर्च पेपर की बात करें 108 शोध पत्रों का सम्मेलन में 108 प्रतिभागी प्रस्तुत करेंगे. और इसमें हिंदी इंग्लिश और संस्कृत तीन माध्यमों के माध्यम से पत्र प्रस्तुत करेंगे. जो संस्कृत के शोध पत्र हैं 8, हिंदी के 64 और अंग्रेजी माध्यम से 36 शोध पत्र हैं. और जब देखते हैं पूरे केवल इंडिया में नहीं इंडिया से जो हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं दिल्ली आसाम उत्तर प्रदेश ओडिशा उत्तराखंड कर्नाटक गोवा केरल तेलंगाना राजस्थान हरियाणा महाराष्ट्र पंजाब मध्य प्रदेश बिहार पुदुचेरी और वेस्ट बंगाल और इन्हीं राज्यों से हमारे प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हुए हैं और कुछ आने वाले हैं. अगर केवल भारत से नहीं हमारे पास वैदिक विद्वान भी उपस्थित हुए हैं जो नेपाल से हैं फ्रांस से हैं और यूएसए हैं. और बाकी हम लोग तीनों दिनों में जो भारतीय कलाओं के वैदिक परिप्रेक्ष्य के ऊपर चर्चा परिचर्चा चलती रहेगी. और इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन समारोह है अभी इसका प्रारंभ किया जा रहा है. और इसमें जिन कलाओं के ऊपर हमारे डेलीगेट्स ने पत्रवाचन करने के लिए पत्र भेजे हैं तो कुछ कलाएं ऐसी इस प्रकार हैं शिल्प कला युद्ध कला नाट्य कला ललित कला चित्रकला वास्तुकला संगीत कला सौंदर्य कला स्थापत्य कला स्वर कला वस्त्र कला प्रहेलिका कला जैन कला आदि विभिन्न कलाओं को आधार करते हुए हमारे प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रकार शोध पत्र उसमें भेजे हैं. और इस कार्यक्रम में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है आप लोगों ने उसमें जरूर देखा है. तो बिना किसी समय अतिवाहित ना करते हुए आज के जो उद्घाटन करता है हम लोग जानते हैं तो उसमें इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सम्माननीय मेंबर सेक्रेटरी हैं. उनका कहीं कार्यवशात हमारे साथ पूरे उद्घाटन सत्र में उपस्थित नहीं रह पाएंगे इसलिए उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा वेब्स इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर शशि तिवारी जी से कृपया पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह के द्वारा हमारे उद्घाटनकर्ता माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का स्वागत करें. मैं इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी से निवेदन करूंगा एक पुस्तक जो न्यू पर्सपेक्टिव ऑन वैदिक एंड एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन ये जो पुस्तक वर्ल्ड वैदिक एसोसिएशन की तरफ से कॉन्फ्रेंस किया गया था उसी की प्रोसीडिंग्स हैं. उस पुस्तक भेंट करके कृपया जोशी जी का स्वागत करें. और इस पुस्तक के संपादक स्वयं प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी हैं जो वेब्स यूएसए के फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहे हैं. ये पुस्तक भेंट करते हुए प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी और इस पुस्तक के संपादक भी प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी हैं. मंचासीन सभी विद्वत वृद्धों से निवेदन है कृपया
ये जो स्मारिका हम लोगों ने बनाई है इस कॉन्फ्रेंस की, उस स्मारिका का विमोचन करें, जिसमें 108 शोध पत्रों का उसमें सम्मेलन है। सभी अतिथियों से निवेदन है कृपया स्मारिका का विमोचन करें। अपर्णा से निवेदन करता हूँ, वो भी मंच पर आए, वो भी हमारी इससे स्मारिका की संपादिका रही है। कार्यक्रम में हमने आंशिक परिवर्तन किया है, कुछ मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट कार्य हैं जिसमें जोशी सर कहीं गंतु काम है, तो आपसे निवेदन है कृपया उद्घाटन भाषण के द्वारा हमें अनुग्रहित करें डॉक्टर जोशी जी। द्वारा आयोजित इस 22वीं संगोष्ठी के शुभारंभ सत्र पर मंच पर उपस्थित इस के सम्माननीय अध्यक्ष आचार्य भूदेव शर्मा जी, मुख्य वक्ता आचार्य सार भट्ट जी, श्री संहिता शास्त्री जी, श्री अशोक प्रधान जी, सुश्री प्रोफेसर शशि तिवारी जी, IGNCA के भारत विद्या परियोजना के प्रभारी डॉक्टर सुबीर लाल, श्री रंजीत बेहरा जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मान्य विद्वान दिव्य अवसर जन। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे अभी 12 बजे लखनऊ के लिए फ्लाइट पकड़ना है, तो मैं यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जाऊँगा और आप सबकी शुभकामना रही तो फ्लाइट पकड़ पाऊँगा, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा हस्तक्षेप किया है कि मैं सबसे पहले के साथ वार्ता कर लूँ। दूसरी बात ये भी है कि अतिथि के रूप में तो नहीं, चूँकि ये कॉन्फ्रेंस IGNCA में हो रही है, इसलिए मुख्य जजमान के रूप में मेरा आप सबका स्वागत करना कर्तव्य बनता है, तो मैं अतिथि के रूप में नहीं, आपके होस्ट के रूप में, जजमान के रूप में आप सभी विद्वानों का इस IGNCA के परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वैदिक परिपेक्ष भारतीय कलाओं का, जिसके संबंध में हम 3 दिन आगे चर्चा करने वाले हैं, ये चर्चा बहुत अच्छी और सार्वजनिक हो और आगे आने वाले समय में इस चर्चा का पूरे विद्वत जगत को उपयोग हो, भारत को भी हो और संपूर्ण विश्व के विद्वत जगत को इसका उपयोग हो। हम सभी जानते हैं कि कलाओं को वैदिक परिपेक्ष से अलग करके नहीं देखा जा सकता, और जब जब भी कलाओं की चिंतन की बात आती है तो उसमें वैदिक संदर्भ अनिवार्यतः होते ही हैं। वस्तुतः हमारे यहाँ की कई कलाओं ने, अगर उनका जन्म देखें, उनका आविर्भाव देखें, उद्भव देखें, तो वो सारा सूत्र हमें हमारे वैदिक ज्ञान से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए कलाओं के वैदिक परिप्रेक्ष्य को देखने का आशय ये होगा कि दरअसल हम संपूर्ण रचनात्मकता के, भारतीय मेधा की संपूर्ण रचनात्मकता के वैदिक परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, और जब हम कहते हैं कि संपूर्ण भारत की रचनात्मकता के वैदिक परिप्रेक्ष्य को देख रहे हैं, तो हमें ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि हमारे पास जो संदर्भ उपलब्ध हैं वो हमारे वैदिक काल के ही उपलब्ध हैं। दरअसल हम इस माध्यम से भारत की संपूर्ण रचनात्मकता के परिप्रेक्ष्य को देख रहे हैं, उसे सिर्फ वैदिक स्थिति में बांधने की आवश्यकता नहीं है। तो इस दृष्टि से इस पूरी संगोष्ठी का जो विषय है वो पूरे भारत की रचनात्मकता को लेकर है, क्योंकि जब हम कला की बात कहते हैं, कला के साथ जब हम संदर्भ रखते हैं हमारे संप्रेषण का, हमारे एक्सप्रेशन का, हमारी अभिव्यक्ति का, तो वो वस्तुतः कहीं ना कहीं हमारी रचनात्मकता को प्रभावित करता है। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान दौर में जब हम टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा ग्रस्त और इतने ज़्यादा उसके कारण परेशान, मैं अभिभूत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, अभिभूत भी हैं हम में से बहुत लोग, टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अभिभूत भी हैं। प्रातः उठने के बाद पहला काम
पहले एक समय था जब भारत के लोग ईश वंदना करते थे, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मण्ये सरस्वती कर्मध्येत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्ते पाद स्पर्श क्षमस्तु में, ये भारत का मूल मंत्र था। सबसे पहले उठने के साथ ही आपको ये करना पड़ता था। आज हम लोग टेक्नोलॉजी से इतने ज्यादा अभिभूत हैं कि हम उठते से ही पहला काम व्हाट्सएप देखते हैं, किसने हमें गुड मॉर्निंग किया, किसने गुड इवनिंग किया, किसने गुड आफ्टरनून किया। हम टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा ग्रस्त होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी रचनात्मक मेधा को उसके सामने गिरवी रखते हैं। ये मेरा एक बहुत स्पष्ट मत है। इसके एक बहुत बहुत गूढ़ उदाहरण नहीं देता हूँ, बहुत सामान्य सा उदाहरण देता हूँ, और ये मेरा अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूँ और किसी अन्य का उदाहरण दे रहा हूँ। आज से 15 साल पहले मुझे कम से कम 150 से 200 टेलीफोन नंबर मुखोद्गत रहते थे, व्यक्ति नाम संदर्भ सहित मुखोद्गत रहते थे। हम में से अधिकांश के साथ ये स्थिति होगी, आज आप गिनती के 4 नंबर भी आपको याद नहीं रहते, और अगर आपका मोबाइल फोन गुम जाए तो आपकी हालत बीमारों जैसी हो जाती है, क्योंकि आप इतने ज्यादा उसके साथ पराश्रित हो चुके हैं। तो एक तरह से हमने हमारी रचनात्मकता को पराश्रित किया, रचनात्मकता को किसी और के सामने समर्पित कर दिया। तो इसलिए जब हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं, और ये मैं आपको क्यों जोड़ रहा हूँ, वेद हमको किसने लिख के बताए थे, इसका संदर्भ अगर देखें कि क्या कभी वेद लिखे गए थे, ये संपूर्ण वेद श्रुति और स्मृति से हमारे पास आए। तो श्रुति स्मृति पुराणों तक ये सारी चीजें जब हमको कही गई, श्रुति और स्मृति से इतने वर्षों तक हमारे साथ जो चीज चल के आई, अब उस श्रुति और स्मृति को हमारे सामने समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए और कोई जरिया हमें हमारी रचनात्मकता का नहीं दिखता है। ये एक बहुत बड़ा दुर्गुण टेक्नोलॉजी के कारण हमारे जीवन में आया है। इसलिए जब हम भारत की वैदिक परंपरा की बात करें तो हमें भारत की उस रचनात्मक मेधा को प्रणाम करते हुए उस परंपरा की भी बात करना चाहिए जिसके माध्यम से ये सारी चीजें इतने हजार वर्षों बाद भी हमारे पास उसी रूप में यहाँ तक पहुंची है। आज भी वेदों के ऊपर जब वेद की संहिता के ऊपर चर्चा होती है, विद्वानों में शास्त्रार्थ होता है, तो एक एक मात्रा और एक एक हलंत पे आप घंटों शास्त्रार्थ कर सकते हैं। इतना बारीक विवेचन हमारे उस समय के विद्वानों ने, शास्त्रियों ने हमारे लिए करके रखा। हम सब इसका विवेचन ही कर लें तो भी हमें लगता है कि हमारा जीवन धन्य हो गया। उतना बारीक काम अगर हमारी वैदिक परंपरा का हुआ है तो उसके ऊपर सचमुच आज आप जैसे विद्वानों का चिंतन करना एक महत्वपूर्ण काम होगा विश्व के बौद्धिक जगत के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। वेदों की कलात्मक परंपराओं में चाहे आप सामगान की परंपरा लें, चाहे नाट्य शास्त्र लें, चाहे स्थापत्य शास्त्र लें, हर क्षण में हमको वैदिक संदर्भ हमारे सामने उपलब्ध नजर आते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उनको 64 कलाओं का संदर्भ दिया गया, और उसमें कहा गया कि ये 64 कलाओं में अब तुम पारंगत हो गए, अब तुम जीवन के क्षेत्र में जा सकते हो। आप सब विद्वान हैं, आप सब ने वो सूची अवश्य देखी होगी, मैंने भी वो सूची देखी है, और मुझे आश्चर्य हुआ कि आज टेक्नोलॉजी के इतने ज्यादा आविर्भाव के बावजूद कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जो आज से कई वर्ष पहले उस सूची में शामिल थे। इंटीरियर डेकोरेशन, मेकअप, केश कला, ऐसे ऐसी कलाओं को 64 कलाओं में शामिल करके भगवान श्री कृष्ण को पारंगत किया संदीपनी ऋषि ने। आज हम उन बातों का सिर्फ विचार भी नहीं कर पा रहे, इतनी कलाएं उस समय भी हमारे देश में थी, पारंगत थे लोग उस समय। तो कहने का तात्पर्य कि हमारा शास्त्र और हमारा जो ज्ञान का भंडार है कलाओं के संदर्भ में इतना विस्तृत और इतना व्यापक और इतना सारगर्भित था कि उसकी तुलना विश्व के किसी भी ज्ञान के किसी भी संदर्भ के किसी भी कोश से नहीं की जा सकती। उसका भाव हमारे अंदर, उसके गर्व की अनुभूति हमारे अंदर, उसका एक अमन्य भाव, एक ये भाव कि हमने संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया है, इस भाव के साथ हम उस बात को अगर आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है वो और अधिक श्रेयस्कर होगा। एक बात लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा याचना करेंगे, अभी दुबर ने बताया कि 108 शोध पत्र पढ़े जाएंगे और 108 शोधार्थी यहाँ पर लगभग 15 से ज्यादा राज्यों के प्रतिनिधि है वो भाग लेंगे। इस सभागार में अभी 108 व्यक्ति मौजूद नहीं है। अगर हम हमारे ज्ञान को इतने ज्यादा हल्के ढंग से लेना चाहते हैं कि मैंने अपना शोध पत्र पढ़ा और पढ़ के मैं चला गया और अंतिम दिन आकर मैंने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया और सोच लिया कि मैंने
भारत की विद्वत कोश में कोई बहुत बढ़ोतरी की है तो मुझे लगता है आप अपनी विद्वत्ता के साथ भी अन्याय कर रहे हैं और जो आयोजक हैं उनकी बुद्धिमत्ता के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। आवश्यक ये है कि कम से कम वो 108 लोग इसके तीनों दिन सारे सत्रों में उपस्थित रहें, अन्यथा ऐसी पुस्तकें छापने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा में लेखन परंपरा बाद में है, विमर्श पहले है। विद्वानों का जब तक विमर्श नहीं होगा, विचारों का जब तक आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक हम हमारी विद्वत परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा तो हम सिर्फ एक कागजी खाना पूर्ति कर सकते। मेरा हो सकता है बात थोड़ी कड़वी लगे क्षमा याचना के साथ, लेकिन मेरा ये आग्रह है सभी विद्वानों से ये आग्रह है कि जब हम ऐसे विमर्श में आए जो ऐसे बौद्धिक विमर्श में आए तो कम से कम हम उस पूरी निष्ठा के साथ पूरे विमर्श को, यहाँ पढ़ा जाने वाला हर एक पत्र हर एक पर्चा मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही व्यापक है, अगर ये संकल्प हम विद्वानों का होगा तब ही जाकर हम सचमुच विद्वत कोश में कुछ बढ़ोतरी कर पाएंगे। मैं अपने आप को इसलिए इसमें शामिल नहीं कर रहा हूँ कि मेरा पर्चा उसमें नहीं है, मैं भी पूरा बैठता, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि मंच से बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, भाषण दिया और खुद तो निकल गए। और मैंने इसीलिए कहा कि मैं मुख्य अतिथि के तौर पर आपके सामने उपस्थित नहीं हूँ, मैं मुख्य यजमान के तौर पर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे बंधु सुधीर लाल जी इस पूरे आयोजन का दायित्व अगर वो तो सर शशि जी के साथ संभाल रहे हैं, वे इस योग्य हैं, आपको जो भी असुविधा होगी वे उसका ख्याल रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। और एक बात पुनः मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, क्षमा याचना सहित कि मैं पूरे समय आपके बीच उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। आप सबका स्वागत है, नमस्कार। आपका वेब्स की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो आपने जिस वैदिक ज्ञान और वैदिक कलाओं की बात कही है जिनके माध्यम से आज ये से प्रारंभ कर 3 दिन तक हम लोग उसमें चर्चा करते रहेंगे, आपने जो व्यथा प्रकट की है हम भी इसको स्वागत भी करते हैं और साथ में यही आशा रखते हैं जो हमारे यहाँ पर जो प्रतिभागी उपस्थित हैं और धीरे धीरे और ही प्रतिभागी आते रहेंगे, 3 दिन तक हम यहाँ उपस्थित रहकर विचार विमर्श करते रहेंगे। सर आपके निर्देशन में ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर कहीं अभी इस उद्घाटन समारोह का कुछ आंशिक परिवर्तन किया गया था, अभी डॉक्टर जोशी जी को कहीं जाना था इसलिए उनका उद्घाटन भाषण के पश्चात इस कार्यक्रम का विधिवत सभी अतिथियों का, सभी महानुभावों का, सभी विद्वत वृंदों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वेब्स इंडिया की अध्यक्ष इस सम्मेलन की संयोजिका प्रोफेसर शशि तिवारी मैम से, कृपया आए सभी अतिथियों का, सभी महानुभावों का उसमें स्वागत करें। मैडम तिवारी जी, ओम मेधाम में वरुणो ददातु मेधाम अग्नि प्रजापति मेधाम इंद्रश्च वायुश्च मेधा दाता ददातु मे ओम याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑन द डायस एंड डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स एंड ऑडियंस सर्वेभ्यो नमो नमः। इट इज माय प्राउड प्रिविलेज टू वेलकम यू ऑल हियर एट द इनॉग्रेशन ऑफ 22nd इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ वेव्स। ऑनरेबल डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, Member Secretary of Indira Gandhi National Center for the Arts has just inaugurated our conference. On this auspicious occasion, Shri Ashok Pradhan, Director Bharati Vidya Bhavan, is our chief guest. Dr. Sangeeta Shastri Arjun Prasad Bastola ji is our distinguished guest, renowned philosopher and chairman, Indian Council of Philosophical Research. Professor S.R. Bhatt is present here as a keynote speaker. We are happy to have a galaxy of renowned scholars here on the dais and in the hall.
For the last 23 years, WAVES is working for the promotion of Vedic knowledge. Under WAVES banner, we have organized more than 100 lectures, 25 symposiums, and 21 national and international conferences in India and one in Nepal. I think WAVES is successful in creating an atmosphere where people feel proud of Indian knowledge, Vedic concepts, and people are curious to know more about Vedic literature and philosophy. Different themes are discussed in our conferences earlier, which were very relevant for the contemporary times. This time we have selected Vedic perspective of Indian arts, Bharatiya Kalaon Ka Vedic Pariprech, as main theme for this conference. And luckily IGNCA, an esteemed center for Indian arts, accepted it, our request. They accepted it very gracefully, and it's one division called Bharati Vidya Prayojana is with us as our knowledge partner. Music, dance, and engineering are three dimensions of arts. Music makes life happy and cheerful. Dance teaches us balancing and harmony, and engineering gives us capability to design and reconstruct. There is a famous saying in Bharatiya, Nidhi Shataka, Sahitya, Sangeet, Kala Vihina, Sakshat, Pashu, Puchh, Vishanahina. Without literature, music, and arts, a man is just like an animal. No doubt the scope of Kala or art is unlimited, but we are sure that Vedas are the main source of various arts. IGNCA and Bharat Vidya Prayojana are working for the preservation of Indian arts and thoughts, and we in WAVES are trying to find out its root and growth in our Vedic literature and ancient scriptures. It is a matter of great delight that Shri Ashok Pradhanji, Director Bharati Vidya Bhavan, is present here as a chief guest. He is a great supporter of Bharatiya Vidya and Vedic knowledge. Our last two conferences are hosted by Bharatiya Vidya Bhavan under his guidance. These academic events were memorable for our delegates and members. Professor Bhudev Sharmaji, President of WAVES, former President of WAVES, is requested to present flower bouquet and WAVES memento to respected Ashok Pradhanji. अगस्त में डेलिस में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो उसमें उपस्थित रहे भारतीयता के प्रतीक, नेपाल से पधारे वैदिक विद्वान डॉक्टर संगीता शास्त्री अर्जुन प्रसाद बास्तोला हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं। आपका स्वागत करते हैं हम, और वेव्स और आईजीएनसीए की ओर से पुष्पोपहार और प्रतीक चिन्ह देने के लिए मैं डॉक्टर सुधीर लाल को आमंत्रित करती हूँ। Eminent philosopher and Sanskritist Professor S.R. Bhatt is present here as a keynote speaker. Honorable Professor Bhatt is presently chairman of Indian Council of Philosophical Research, HRD Ministry, Government of India. He is also chairman of Indian Philosophical Congress and Asian Congress of Philosophy. Former head of the Philosophy Department, University of Delhi, Professor Bhatt is known authority of ancient Indian culture, Buddhism, Jainism, and Vedanta. And we must be happy to know that he is founder member of WAVES also. So I invite Dr. Ranjit Behera to welcome Professor Bhatt with presentation of flowers and bouquet.
eminent mathematician and Vedic scholar, Professor Bhudev Sharma ji, is our honorable member also. I invite Aparna, Dr. Aparna ji, if she is there, to felicitate him. Dr. Aparna Dheer Khandelwal. You have to welcome Professor Bhudev Sharma. Project Director of Bharat Vidya Prayojana, Dr. Sudhir Lal, is constantly working with us for the planning of this conference. I request again to Dr. Ranjit Behera to welcome him on behalf of all members and this. Indian arts are rooted in Vedic mantras. This thought will be analyzed by 140 scholars, because 108 is those persons whose abstract is published in this souvenir. So rest other names are also there in the program, that is of 140 members. So we will be analyzing arts, base of arts in Vedic literature, in other literature also. And that book is just released and you have received already in your folder. So I welcome all delegates, all members, volunteers and students for their fruitful deliberation in this conference. Thank you very much. मैडम बहुत बहुत धन्यवाद. जैसे हम लोगों ने सुना, अभी इसमें त्रिदिवसीय सत्रों में अभी 108 पत्रों का वाचन किया जाएगा, इसलिए अलग अलग सेशन का उसमें आयोजन किया गया है. जैसे मैडम ने बताया, हम लोगों ने पिछले तीन कॉन्फ्रेंस हमने भारतीय विद्या भवन के तत्वावधान में, संयुक्त तत्वावधान हम लोगों ने आयोजित किया था. और इनके पीछे जिनका संपूर्ण मार्गदर्शन रहा, जिनका संपूर्ण सहयोग रहा है, और जो हमेशा भारतीय विद्याओं के प्रति समर्पित हैं, अध्ययन एवं अध्यापन, सेवानिवृत्त के बाद भी वही भारत की जो कला है, भारत की जो विद्या है, उसी वेद के अंदर या वेद के अंदर जो विद्याएं उपस्थित हैं, जो विद्याएं समाहित है, उनके अध्ययन में हमेशा रत हैं. तो सर, आपके निर्देशन में हम लोगों ने तीन कॉन्फ्रेंस का सहर्षपूर्ण आयोजन किया था. और ऐसा आयोजन हमने कभी नहीं था. हमने हैट्रिक, जिसको कहते हैं हम लोग, तीन बार हम लोगों ने भारतीय विद्या भवन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया था. सर, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत. जैसे हम लोग जानते हैं, आज मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों ने निमंत्रित किया है. सर, आपसे निवेदन है, कृपया आए, हमने अपने भाषण से हमें अनुग्रहित करें डॉक्टर अशोक प्रधान जी.